Hello everyone, welcome back to my channel KM Smart IELTS. So today we are going to discuss about some follow-up questions and we also have a cue card. Describe an important piece of news that you received by text message. Means कोई भी piece of news बतानी है जो आपको text message के through मिली हो. ठीक है, so we will discuss all the follow-up questions regarding that cue card. Okay, if students have any difficulty to find any meaning of any answers, then write in the comment box. I will try to solve your all problem. Okay, so what's our first questions of follow-ups? First is, why do some people dislike sending text messages? कि लोग मैसेज टेक्स्ट मैसेज को सेंड करना डिसलाइक क्यों करते हैं. सो वी हैव आंसर्स. देयर आर वेरियस रीजन बिहाइंड इट. बहुत सारे रीजंस हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पीपल डू नॉट लाइक टू सेंड अ मैसेज बिकॉज दे थिंक द कॉल इज अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड देन अ मैसेज. फर्स्ट रीजन्स इसका क्या है कि लोग इसलिए पसंद नहीं करते मैसेज भेजना क्योंकि वो सोचते हैं कि कॉल है वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है मैसेज की बजाय. मोर ओवर सम टाइम ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज द रिसीवर डज नॉट रिसीव अ मैसेज ऑन टाइम. और कई बार नेटवर्क इश्यूज की वजह से मैसेज टाइम पे नहीं पहुंच पाता. सो कॉल इज अ टाइम सेविंग मेथड. और कॉल क्या है? टाइम सेविंग मेथड. Okay, so we have a next question. What is the information that cannot be communicated by text message? कि किस प्रकार की information है वो communicate नहीं की जा सकती text message के through. Okay, so in my perspective, confidential information. Confidential information कौन सी होती है? जो secret informations है, should not transfer through text message. जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू शेयर नहीं करनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, अ पर्सन नीड फेस टू फेस कन्वर्सेशन टू एक्सप्रेस एंड शेयर हिज फीलिंग बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल विद अ टेक्स्ट मैसेज. सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि एक पर्सन को नीड होती है फेस टू फेस कन्वर्सेशन की क्योंकि फेस टू फेस कन्वर्सेशन में वो एक्सप्रेस बंदे के एक्सप्रेशंस देख सकते हैं और अपनी फीलिंग्स ईजिली शेयर कर सकते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू. ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चंस. हाउ डू पीपल इन इंडिया डिलीवर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस? कि इंडिया के अंदर लोग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस कैसे डिलीवर करते हैं? इन टूडेज ईमेल इज मोस्ट कॉमनली यूज टू सेंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज मोर कॉन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग एज वेल एज वी कैन सेंड एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ फ्यू सेकेंड. कि आजकल क्या जो ईमेल है वो ज़्यादा यूज हो रहा है कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए क्योंकि वो क्या है मोर कॉन्वीनियंट और टाइम सेविंग है और वी कैन सेंड एनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ फ्यू सेकेंड. कुछ ही सेकेंड्स के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन पर्सन्स पे सेंड कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक ऑफ ट्रेडिशनल पेपर मेल्स? ट्रेडिशनल पेपर मेल्स के बारे में आप क्या सोचते हो? सो वी हैव अ आंसर. अकॉर्डिंग टू मी ट्रेडिशनल पेपर मेल्स लॉस देयर वैल्यू इन टूडेज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड. कि मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल पेपर मेल्स है वो अपनी वैल्यूज ने खो दी है. किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की वजह से. मैच्योरिटी ऑफ पीपल प्रेफर टू सेंड मेल थ्रू कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स बिकॉज इट इज़ सिक्योर एंड टाइम सेविंग. और ज़्यादातर लोग क्या है प्रेफर कर रहे हैं मेल सेंड करना कंप्यूटर या स्मार्टफोन के थ्रू क्योंकि ये एक सिक्योर और टाइम सेविंग मेथड है. Moreover, paper mail still used for official work. और क्या जो paper mail है वो केवल official work के लिए use किया जा रहा है. All the official letter are sending through paper mail rather than email. और जितने भी official letters हैं वो सारे paper mail के through send किए जा रहे हैं not of mail, email. Okay, so our next question is, do you think it is still a way to deliver information using traditional mails? कि क्या आप ऐसा सोचते हो कि
इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करने का एक ट्रेडिशनल मेथड है जो वही ज़्यादा यूज करते हैं लोग. यस डेफिनेटली देर आर सम केसेस वेयर ईमेल्स आर बेस्ट वे टू डिलीवर इन्फॉर्मेशन की बहुत सारे कुछ केसेस के अंदर क्या जो ईमेल्स है वही बेस्ट वे है डिलीवर करने का इन्फॉर्मेशन्स को. बट सम पीपल डू नॉट नो अबाउट हाउ टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सो दे प्रेफर टू यूज़ ट्रेडिशनल मेल्स. कुछ लोग हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं कैसे हम उसको यूज करते हैं और सो वो ट्रेडिशनल मेल का यूज करते हैं फॉर दैट. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव आवर वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर चेंज्ड इन रिसेंट ईयर्स. कि क्या हमारा जो बात करने का वे है कम्युनिकेशंस का वे है वो चेंज्ड हो गया रिसेंट ईयर्स के अंदर. यस इट्स चेंज्ड इन मैनी वेज. हाँ ये चेंज हुआ है कुछ वेज के अंदर. पीपल मोस्टली गिव देयर प्रेफरेंस टू कम्युनिकेट थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स वीडियो कॉल्स एंड फोन कॉल रैदर देन हैंड रिटन पेपर मेल्स. कि हाँ कुछ हद तक ये चेंज हुआ है क्योंकि जो लोग हैं मोस्टली देयर प्रेफरेंस अपनी प्रेफरेंस ज़्यादा वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को दे रहे हैं और वीडियो कॉल्स फोन कॉल्स ये सब वो ईजली कर रहे हैं देन हैंड रिटन पेपर मेल्स की बजाय. ओके सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन मीडिया एंड वेस्टर्न मीडिया. इंडियन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया के अंदर डिफरेंसेस क्या है. देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न मीडिया. द प्राइम इज दैट इंडियन मीडिया यूज रीजनल लैंग्वेज लाइक स्टेट न्यूज चैनल डिलीवर न्यूज़ इन द रीजनल लैंग्वेज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज. कि जो इंडियन मीडिया है वो क्या है मोस्टली रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर रही है. अलग अलग स्टेट्स में हिंदी है तो हिंदी में मराठी है मराठी में ठीक है. और जो मोस्टली इंफॉर्मेशंस वो प्रोवाइड करवा रही है रीजनल लैंग्वेज के अंदर ही प्रोवाइड करवा रही है नॉट इन इंग्लिश इंग्लिश में नहीं करवा रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन मीडिया ऑल्सो कनेक्ट अस टू द वर्ल्ड एंड गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द वर्ल्ड एंड दैट एलिमेंट आर क्वाइट सिमिलर टू वेस्टर्न मीडिया. और जो इंडियन मीडिया है वो क्या हमें कनेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड के साथ और इंफॉर्मेशन देती है ऑल द वर्ल्ड. और वो इसकी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो क्वाइट सिमिलर हैं किसके वेस्टर्न मीडिया की. ओके सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वाई सोशल एप्लीकेशंस. कि सोशल एप्लीकेशंस के थ्रू मैसेज भेजने के एडवांटेजेस क्या हैं फ़ायदे क्या हैं. ओके सो वी हैव आंसर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट इज दैट अ पर्सन गेट्स अ रिस्पॉन्स इमिडिएटली विच इज़ नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिशनल पेपर मेलिंग. कि फर्स्ट रीजन्स क्या है कि लोग एकदम से रिस्पॉन्स मिलता है उनको जो कि पॉसिबल नहीं है ट्रेडिशनल मेल के थ्रू. मोर ओवर पर्सन कैन कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डू ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स एंड शेयर फोटोज विद ईच अदर. सेकेंड बेनिफिट क्या है कि हम इजिली कनेक्ट रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ और वीडियो और ऑडियो कॉल्स दोनों हम कर सकते हैं अपनी फोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. ओके स्टूडेंट्स सो दीज आर द फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ दैट क्यू कार्ट. एंड इफ स्टूडेंट्स यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चंस देन राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड फॉर मोर अपडेट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर. And now, thanks for watching.